अभी बाकी है मेरे दोस्त। डिस्टेंस का मतलब लंबा रास्ता, डिस्प्लेसमेंट का मतलब छोटा रास्ता, न्यू। तो उसका जो लंबा रास्ता होगा उसको बोलेंगे डिस्टेंस, और जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई, जैसे पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्ते ऐसे होते पहाड़ी रास्ते, और ये इसके ऊपर कोई कार या बस आ रही है तो ये लंबा रास्ता है, देखो ये वाला, ये डिस्टेंस। और इसी रास्ते के ऊपर ये पोजीशन वन है हमारी, ये पोजीशन टू होगी। हेलीकॉप्टर जो होगा वो ऐसे ऐसे इन सड़कों के ऊपर से नहीं जाएगा, हेलीकॉप्टर जाएगा डायरेक्ट सीधा। तो ये जो सबसे छोटा रास्ता है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, लंबा रास्ता, डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसके डेफिनेशन। इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम, दिए हुए समय के अंदर किसी भी वस्तु ने जो एक्चुअल की दूरी तय करी है रास्ते को डिपेंड करते हुए, वो होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही होती है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। जैसे ये होगा हमारा इनिशियल, इसको एक कह दो, ये होगा फाइनल, इसको दो कह देता हूँ। इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कोई कहे कि सर ये हो गया एक, कोई कहे यहाँ से हम ऐसे जाएं, ये भी छोटा नहीं है अभी, तो शॉर्टेस्ट तो ये होगा ना, ये वाला। तो ये वाला जो रास्ता है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे देखो और अच्छी तरह समझ लो इसको, जैसे कुछ ऐसे नाम होते हैं हिंदी में, जैसे बटन जो है, ये जो हमारी जो शर्ट में जो बटन लगे हुए हैं, ये बटन तो छोटा नाम है, और इसका पूरा नाम होगा अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक, ये बड़ा नाम है। है तो ये भी बटन ही है, ये भी बटन ही। तो इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है, लेकिन छोटा रूप है उसका। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये इसका छोटा नाम है, ये क्या है, ये बड़ा नाम। तो इसी तरह सोच जाओ, जो बड़ा रास्ता हो उसने क्या कहेंगे, डिस्टेंस, जो छोटा रास्ता हो उसने क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसी तरह छोटा नाम है क्रिकेट, और क्रिकेट का पूरा बड़ा नाम हिंदी में क्या है, गोल गुत्तम लक्कड़ बट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। तो बड़ा नाम हो गया और भी छोटा नाम हो गया। तो अब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी का आप अंतर समझ गए होंगे। यहाँ पे भी देखो कि एक हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, फिर यहाँ जाएं, तो टोटल दूर हुई 5 किलोमीटर, तो ये तो होगी हमारी डिस्टेंस। ये वाला रास्ता क्या होगा, डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक जाऊँ ये पड़े 4 किलोमीटर, तो छोटा रास्ता है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद इसका 3-4 पॉइंट और, इसी का सेकेंड पॉइंट है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होगी। जैसे वो नाम देखे थे ना अभी, बटन का अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक, तो वो नाम हमेशा या तो बड़ा होगा या कोई कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाएगी वो उसके बराबर ही होगा। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है। देखो ये वाला रास्ता बड़ा है, जैसे मान के चलो कि ये 300 किलोमीटर है, और एयर टू एयर जो है ये मान लो कि 100 किलोमीटर है, तो हेलीकॉप्टर तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा गिवन टाइम के अंदर, और ये काफ़ी टाइम लगाएगी। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है या कभी कभी बराबर हो जाती है। आप कहोगे सर बराबर कब होती है, जैसे मान लो कि और कोई ऑप्शन नहीं हो, जैसे नहर जा रही थी, नहर का पुल ये है, ये पोजिशन वन है, ये टू है, तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो उस समय क्या होती है, कभी कभी ये इसके बराबर भी हो जाती है जब कोई और दूसरा ऑप्शन ना हो। तो डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, रास्ता लेंगे तो कुछ ना कुछ दूरी निकलेगी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और ज़ीरो भी होती है। इसको यहाँ से समझेंगे, देखो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ से मान के चलो कि मैं चला गया 4 किलोमीटर, और अब वापस आ गया मैं यहीं पे ही, तो मैं जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। तो साइंस के अंदर जो होता है कि ये जितना चला उतना वापस आ गया, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, मेरा एंड पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ज़ीरो। भाई फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, ज़ीरो है, वहीं पे खड़ा हूँ।
एक तो जीरो संबंध में, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब अगर मैं थोड़ा सा और आगे निकल जाता तो, मान लो एक किलोमीटर आगे चला जाता तो नेगेटिव हो जाती। पॉजिटिव कब होती, जब मैं इधर से आ रहा था और मैं यहीं पर रुक जाता तो मेरी दूरी क्या कहलाती, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाती, पॉजिटिव कहलाती। द डिस्टेंस बिटवीन बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजिशन टेल द टाइप ऑफ पाथ। डिस्टेंस जो होती है वो रास्ते की प्रकार बताती है कि रास्ता किस प्रकार का है, और वो क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट रास्ते की प्रकार नहीं बताती है, वो सीधी होती है। डिस्टेंस हैज़ मैनी वैल्यू, डिस्टेंस की काफ़ी वैल्यू होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हैज़ यूनिक वैल्यू। जो यूनिक का मतलब अद्वितीय, ऐसा कोई और ना हो, और कोई वैल्यू पॉसिबल ना हो उसके। जैसे मान लो हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे, एक 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 तो रास्ता ये हो गया हमारा, एक रास्ता ये हो गया, ये उससे थोड़ा छोटा है, एक रास्ता ये हो गया। तो देखो डिस्टेंस की तो काफ़ी वैल्यू हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की तो जो शॉर्टेस्ट है वो तो एक ही होगी यहाँ से यहाँ तक। इन एक दो तीन चार में सबसे शॉर्टकट यही है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी यूनिक वैल्यू होती है। और हेलीकॉप्टर जो होते हैं, जितने पक्षी होते हैं, ये सभी डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। और ट्रेन जो होगी, कार बस जो होगी, सांप हो गया, ये सारे के सारे डिस्टेंस लेते हैं, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 11वीं क्लास का बेसिक पर्सन था, आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस का मतलब लंबा रास्ता, जैसे लंबा नाम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब छोटा रास्ता, जैसे छोटा नाम। मैंने दो उदाहरण भी दिए थे आपको। और ये लेंथ से ही, जो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है उसी से जुड़े होते हैं, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या आएगी, मीटर आएगी। और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, लेंथ का एल होगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब एक कोई भी नंबर, जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन भी होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो उम्मीद करता हूँ ये पर्सन आपको समझ में आ गया होगा। ये नोट्स बनाओ। थैंक्स, हैव ए गुड डे। गलती सलती हुई तो माफ करियो।